हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। रीमा भारत के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, हम पुनः उपस्थित हो क्लास को कंटिन्यू करेंगे। आज हम महत्वपूर्ण साहित्य की बात करेंगे जिनका फारसी भाषा में अनुवाद किया गया है और किसके द्वारा किया गया है। अक्सर यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है एग्ज़ाम में, तो टॉपिक अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। टॉपिक छोटा बेसिक है लेकिन इम्पॉर्टेंट है, इसलिए इसको मिस बिल्कुल मत करिएगा। तो आइए बिना समय गंवाए हुए टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे महाभारत की। महाभारत की बात करें तो महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद किसके द्वारा किया गया था? तो महाभारत का अनुवाद फारसी भाषा में अबुल फजल फैजी, नकीब खां और बदायूनी। अबुल फजल फैजी, नकीब खां और बदायूनी के द्वारा इसका फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था। महाभारत का किस नाम से? तो रज्जनामा। महाभारत का रज्जनामा नाम से अनुवाद इसका किया गया था। रामायण, रामायण का अनुवाद फारसी भाषा में किसके द्वारा किया गया था? तो बदायूनी, बदायूनी के द्वारा रामायण का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था। इसके बाद है अथर्ववेद। अथर्ववेद का फारसी भाषा में अनुवाद बदायूनी हाजी इब्राहिम, बदायूनी हाजी इब्राहिम सर हिंदी ने पूर्ण किया था। बदायूनी और हाजी इब्राहिम सर हिंदी ने अथर्ववेद का फारसी भाषा में अनुवाद किया था। इसके बाद है लीलावती। लीलावती गणित की पुस्तक है, ये पीसीएस में पूछा गया क्वेश्चन है। लीलावती का फैजी के द्वारा, लीलावती का अनुवाद फारसी भाषा में फैजी के द्वारा किया गया था। इसके बाद है राजतरंगिणी। राजतरंगिणी का फारसी भाषा में अनुवाद शाह मोहम्मद शहबादी के द्वारा राजतरंगिणी का अनुवाद किया गया है। राजतरंगिणी यह कल्हड़ की पुस्तक है जिसके बारे में हमें कश्मीर के इतिहास के बारे में चर्चा मिलती है इससे। इसके बाद है कालिया दमन का फारसी भाषा में अनुवाद अबुल फजल के द्वारा किया गया है। कालिया दमन का फारसी भाषा में अनुवाद अबुल फजल के द्वारा किया गया है। अगला है नल दमयंती का फारसी भाषा में अनुवाद फैजी के द्वारा किया गया है। नल दमयंती का फारसी भाषा में अनुवाद फैजी के द्वारा किया गया है। अगला है हरिवंश का फारसी भाषा में अनुवाद जो है मौलाना शेरी के द्वारा किया गया है। अगला है पचास उपनिषद का फारसी भाषा में अनुवाद दारा शिकोह के द्वारा किया गया है। भगवद गीता का फारसी भाषा अनुवाद दारा शिकोह के द्वारा किया गया है। योग वशिष्ठ का फारसी भाषा में अनुवाद दारा शिकोह के द्वारा ही किया गया है। ये कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें थी जिसका फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था। तो टॉपिक यहीं पे कंप्लीट होता है। जय दीजिए फ्रेंड्स। जय हिंद, जय भारत।